like, subscribe, and press the bell icon. अभी हम लोग फिर वहाँ चलते हैं। हाँ चलो, क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग साइड पर भी स्टॉल लगाए हुए हैं, और यहाँ पर आते आते मेरी नज़र इस नर्सरी में पड़ गई जो बहुत इन्होंने खूबसूरत बनाई है। और देखते हैं फिर यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं आप लोग। और मुझे तो वैसे भी गार्डनिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, और जब मैंने यहाँ पर देखा तो मैं खुद यहाँ पर देखने चले आया कि यहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन सी वैरायटी है, कौन कौन से पौधे हैं, और सारे ही सारे असली हैं। यहाँ पर मेरी अभी सिस्टर कह रही थी कि शायद ये आर्टिफिशियल होंगे, और ये आर्टिफिशियल नहीं है। इनकी डेकोरेशन और खूबसूरती ऐसे लगता है आर्टिफिशियल, लेकिन आर्टिफिशियल नहीं है। और यहाँ पर कैक्टस और बोगनविलिया और एलोवेरा जो मैंने अभी देखे हैं, उनके मैं नाम आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी पौधों के नाम पता हैं। और देखता हूँ मैं फिर, और बाकी के भी नाम आप लोगों को बताता हूँ। और यहाँ पर मनी प्लांट भी है जो सब लोगों के पास ही होता है, लेकिन मेरे पास नहीं है, और मैं लूँगा। और पर इन्होंने डेकोरेशन के लिए जो हैंगिंग पॉट है वहाँ पर जो इन्होंने पौधे लगाए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती में इजाफा करते हैं आप लोग के घर में। जो मैं लगाऊंगा वो भी इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो जो से भी पौधे हैं ज़्यादातर वो मेरे पास घर में नहीं पड़े हुए, ये देखें। और जो पॉट हैं यहाँ के गमले वगैरह वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़बूत और ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त यानी कि खूबसूरती में बहुत ही ज़्यादा इजाफा करने वाले पॉट हैं, ये देखें। ये आप लोग इंडोर्स भी लगा सकते हैं और आउटडोर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर गुलाब भी है, यहाँ पर इंग्लिश रोज़ की भी वैरायटी है, ये देख सकते हैं आप लोग। रोज़ भी है, इंग्लिश रोज़ भी है, और नींबू के प्लांट भी लगे हुए हैं। और मैं हैंगिंग पॉट इनमें से लाजमी एक लेके जाऊँगा, ये वाला तो मैं लेके ही जाऊँगा। इस वक्त मैं तो निकल आया हूँ पौधों वाली दुकान से, क्योंकि अगर जितनी देर मैं वहाँ खड़ा रहता तो मेरा लाजमी दिल करना था मैं तकरीबन सब कुछ ले लूँ, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ घूमने आए हैं और यहाँ पर रश भी बहुत था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये अगर कुछ भी लेना होगा जाते टाइम ले लेंगे, नहीं तो रहने देंगे, फिर कभी आएँगे दोबारा ले लेंगे। क्योंकि इस वक्त यहाँ पर हम लोग ज़्यादा घूम ही रहे हैं, और अभी कुछ हमने लिया नहीं है, तो जब लेंगे तब दिखाते हैं आप लोगों को। लेकिन प्लांट्स वगैरह मेरा लेने का मूड तो था, लेकिन अब नहीं ले सकते, क्योंकि फिर पकड़ना और यहाँ से लेके जाना वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो नॉवल या किताबों के शौकीन हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी मनपसंद किताब नॉवल वगैरह यहाँ से लेके जा सकते हैं। कज़न गेट के पास आ चुके हैं और हम उसको लेने जाने हैं, देन फिर हम वापस आएँगे और बाकी सारे चीज़ें देखेंगे। Yeah.
एक्चुअली कज़न को लेने हम पहले गेट पे जा रहे थे कि कज़न का मैसेज आया मैं दूसरे गेट से अंदर आ गई हूँ वहाँ पर अच्छा, और अब हम लोग वहाँ जाएंगे। ये क्या है, मकई की रोटी कितने की है? 250 में दो रोटी, सात मक्खन। अच्छा चार नहीं पाना। कज़न इस वक्त दूसरे गेट में, हम लोग वहाँ पर गए थे, वो इस वक्त दूसरे गेट पे खड़ी हुई हैं और अब हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं उनको लेने। अभी उनका फ़ोन आया है, उन्होंने कहा है कि मैं जंपिंग वाले के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ, सब उनको देख लिया तब तक। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग वहाँ पर खड़े हुए थे पहले गेट पे, मैं भी तुम लोग को ढूंढ रही थी। एक्चुअली हम पहले गेट से आए थे और वहाँ पर इतना ये झूले वगैरह नहीं लगे हुए थे जो इस यहाँ पर लगे हैं। हम लोग तो कज़न को ही लेने आ गए थे यहाँ पर, और यहाँ पर हमने देखा भी नहीं था। अब हम लोग यहाँ पर देख के देन फिर हम लोग उस साइड पर जाएंगे, और यहाँ पर झूलों के पास भी बहुत ज़्यादा रश है। वहाँ पर तो रश था ही और यहाँ पर झूलों के पास भी बहुत ज़्यादा रश है, आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त मेरे सामने ही इतने लोग आए हैं, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं, और मेरे लिए वीडियो बनाना इतना मुश्किल हो रहा है, इतना मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देख सकते पीछे झूलों की आवाज़ और लोगों की, ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल मेरे पीछे। वहाँ पर मैं अभी अपनी तस्वीरें लेने जा रहा हूँ और देन फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। सामने मेरे धूप पड़ रही है मुझे और वीडियो मेरी अच्छी नहीं बन रही, इसलिए मैं ज़रा आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तब तक थोड़ी धूप भी कम हो जाएगी क्योंकि इस वक्त बिल्कुल मेरे सामने सूरज है और मेरी आँखों में पड़ रहा है, और सब लोग इंजॉय। पर इस वक्त कज़न का डिसाइड हो रहा है कि वो हॉर्स राइडिंग करेगी या नहीं करेगी, पर जो है कज़न हॉर्स राइडिंग के लिए बैठ चुकी हैं। उनको लगता था कि ये उनका ड्रीम है हॉर्स राइडिंग करना, जो उनका ड्रीम मैंने पूरा कर दिया है, और वो यहाँ पर बैठ चुकी हैं। एक्चुअली आपका ड्रीम पूरा हो गया। हाँ वैसे अच्छा मज़ा आएगा, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो आप इंजॉय करो, मैं आप लोगों की तस्वीरें खींचता हूँ। सोच रहे होंगे कि मैं हॉर्स राइडिंग क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैं पहले भी बहुत दफ़ा कर चुका हूँ और मेरा कुछ इतना खास कोई शौक़ है नहीं, और इसलिए मैंने नहीं की, और कज़न का शौक़ था इसलिए उन्होंने कर ली। हेलो आप कहाँ जाना है? अच्छा अब मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, हवा भी चलने लग गया, और जो क्या लाइट नहीं, नहीं इस वक्त मेरी सिस्टर कह रही है कि हम लाइट्स लेते हैं जो हम बिल्कुल नहीं लेंगे, हमारे कोई बच्चों वाले अब शौक नहीं है। अब हम मैं तो व्लॉगिंग कर रहा हूँ फर्स्ट की, तो मौसम है बात मौसम पे थी, मौसम अच्छा हो गया, धूप हट चुकी है, तो अब ज़रा वीडियो बनाने का व्लॉगिंग करने का भी मज़ा आएगा। यहाँ पर मेरी सिस्टर इस वक्त ये ब्लॉन्स फोड़ रही हैं। निशाना सही लगाना, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं अपना स्लोमो बनाने के लिए। हमने एक एरिया ढूंढा है जो पीछे बैक साइड पर है और वहाँ पर रश भी नहीं है इतना, और वहाँ पर हम स्लोमो भी बना सकेंगे और तस्वीरें भी अच्छी से अच्छी खींच सकेंगे। ये है सारा,
यहाँ पर सब लोगों की अपनी पिक्चर्स वगैरह चल रही थी और मेरी तो हो गई हैं और बाकी इनकी भी हो गई हैं, आप लोगों की इनकी भी हो गई हैं। तो अब हम लोग आगे जाएंगे, तो अब कहाँ जाना है, अब आगे चलते हैं तो देखते हैं फिर कहाँ जाती है। लेकिन लोकेशन हमारे पास बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। अच्छा, ये पाकिस्तानी आवाम में बहुत ही एक फैक्ट होता है कि झूले भी लेने हैं और चीखना चलाना भी है, डरना भी है और मज़े भी पूरे लेने हैं।